प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सोनकरण सिंह पुनः आप लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग मानव और मानसिकी का अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें जो भी शेष है उसको बहुत जल्द ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ब्लड का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आप रुधिर कहते हैं। रुधिर, एक बार फिर मैं बता देता हूँ रुधिर होता क्या है। रुधिर एक तरल संवहनी संयोजी ऊतक है, जिसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्व निहित होते हैं। अर्थात रुधिर निरंतर शरीर की कोशिकाओं में संवहित या प्रवाहित होता रहता है। बल्कि रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 अर्थात क्षारीय होता है। रुधिर का रंग देखा जाए तो यह लाल व गाढ़े रंग या चटकीले रंग का तरल पदार्थ होता है या क्षारीय तरल होता है, जो स्वाद में कुछ नमकीन या आप कह सकते हैं खारा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो रुधिर में कुछ ऐसे छोटे कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स या रुधिर कणिकाएं कहती हैं। ये रुधिर कणिकाएं मुख्य तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी को देखा जाए तो इनका मात्रा सबसे ज्यादा रक्त में पाई जाती है, इसी के कारण आप कह सकते हैं रुधिर का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन अर्थात हीम धन ग्लोबिन से मिलकर बना है, और इन्हीं के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, यह आप कह सकते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक सेल्स होती हैं, जिससे आप कह सकते हैं रोगों की सुरक्षा होती है, इसीलिए इन्हें फोर्स सेल्स या सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स होता है, जो आप कह सकते हैं शरीर में अमीबोसाइट के समान बनी हुई रचनाएं होती हैं। इनका भी आकार आप कह सकते हैं कि छोटे होते हैं, लेकिन संख्या में भी ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। परंतु आप कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है तो उस समय प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, और प्लेटलेट्स शरीर में बढ़ाने के लिए एक तरह से यह भी प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेन करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कहेंगे रुधिर आधान होता क्या है, क्योंकि कार्ल एंडस्टीनन के अनुसार ये बताया भी गया है कि रुधिर का मुख्य चार वर्ग बताया गया, ए बी और ओ। तो प्यारे बच्चों, कार्ल एंडस्टीनर एवं वीनन ने आप कह सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर मनुष्य में कुल चार प्रकार के रुधिर वर्गों को खोज किया, जिसमें से आपको बताया गया कि रुधिर वर्ग में भिन्न भिन्न अगर प्रकार हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भी एंटीजन भी पाए जाते हैं। तो एंटीजन क्या है, आपको बताया गया कि एंटीजन प्राय रक्त प्रोटीन्स होती हैं, जो रक्त में विद्यमान होती हैं, और यह भी दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन भी दो प्रकार होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी के रूप में, तथा एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। रुधिर आधान अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें देखें कि रुधिर आधान है क्या। रुधिर आधान का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, अस्वस्थ हो गया हो, बीमार हो गया हो, उनके शरीर में रक्त की मात्रा घट गई हो अर्थात कम हो गई हो, उस रक्त के माध्यम से उसके शरीर की सारी क्रियाएं नहीं चल सकती, उनको बाहरी यानी दूसरे व्यक्ति के रक्त की जरूरत पड़ती है, या उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग रुधिर आधान कहते हैं। यह परिभाषा इसकी बताई जा रही है, किसी अस्वस्थ व्यक्ति, कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह व्यक्ति जिसमें क्या है रुधिर की कमी हो अर्थात उसके शरीर में रक्त की मात्रा कम हो गई हो, घट गई हो, जिससे उनके रक्त को पूरा करने के लिए या रक्त को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति की रक्त की जरूरत होती है। तो आप कहिए, किसी अस्वस्थ व्यक्ति जिसमें रुधिर की कमी हो, उन्हें किसी स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर जो चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उन्हें रुधिराधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं।
इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश या कुछ आवश्यक शर्तें लागू होती हैं या सिद्ध होती हैं। पहला इसमें बताया गया कि दाता और ग्राह्य, दाता का मतलब जो दे रहा है, ग्राह्य का मतलब जो रक्त को ले रहा है। दाता और ग्राह्य दोनों के रुधिर वर्ग समान होने चाहिए, अर्थात दाता अगर ए है तो ग्राही भी ए रुधिर वर्ग का होना चाहिए। दूसरा है कि दाता एचआईवी पॉजिटिव नहीं बल्कि एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखा जाए ये घातक बीमारियां होती हैं, जिसे आप एड्स कहते हैं। एड्स का जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह सबसे घातक वायरस है जो शरीर में आप कह सकते हैं टीएच और टी को लिम्फोसाइट से उसको प्रभावित करता है। तो आप कहेंगे दाता एचआईवी पॉजिटिव नहीं बल्कि एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए। रुधिर किसी भी प्रकार से, जो रुधिर लिया जा रहा हो वह किसी भी प्रकार से संक्रमित नहीं होना चाहिए या रोगग्रस्त रुधिर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि रुधिर आधान का रेखा चित्र, रुधिर आधान का रेखा चित्र भी शर्तों से आपको पता हो गया कि दाता और ग्राही दोनों के रुधिर वर्ग समान होंगे तभी रुधिर लिया जा सकता है। दाता एचआईवी पॉजिटिव नहीं बल्कि एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए, बल्कि रुधिर किसी भी प्रकार से संक्रमित नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो रुधिर आधान का रेखा चित्र, रुधिर आधान के रेखा चित्र को निम्न चार्ट की मदद से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। तो ये चार्ट आपके सामने बनाई गई है या स्पष्ट की गई है, इसमें लिखा गया है कि रुधिर वर्ग, आपको क्लियर है कि रुधिर वर्ग चार प्रकार के होते हैं ए बी ए बी और ओ। रुधिर वर्ग ए के लिए आप कह सकते हैं एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए, रुधिर वर्ग बी के लिए एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए, रुधिर वर्ग ए बी के लिए दोनों एंटीजन होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती, रुधिर वर्ग ओ के लिए दोनों एंटीजन बनते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती। तो देखिए प्यारे बच्चों, रुधिर वर्ग को इस चार्ट के माध्यम से आदान और प्रदान का रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ध्यान पूर्वक इस चित्र के या रेखा चार्ट को देखें। सबसे पहले आप पांच बॉक्स बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, उसी तरह से एक बॉक्स में लिख देंगे रुधिर वर्ग, फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे ए बी ए बी और ओ। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, यही पूरा चीज इधर लिख लेंगे ए बी ए बी और ओ। एक साइड में आप दर्शा देंगे दाता और एक साइड में आप दर्शा देंगे ग्राही। दाता सभी होते हैं, सब जो दान करते हैं वे दाता होते हैं, लेकिन कुछ इसमें जो सबको दान कर सकता है इसीलिए उन्हें हम लोग सर्वदाता कहते हैं, और जो सबका दान ले सकता है उन्हें हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। तो देखिए अब दाता सभी हैं इधर और उधर सभी ग्राही हैं, कौन कौन किसको रुधिर दे सकता है। तो रुधिर वर्ग ए के लिए जो आपके रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होती है उन्हें आप ध्यान पूर्वक जान लें कौन कौन होती है। रुधिर में प्रोटीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी बनती हैं। तो एंटीजन भी दो प्रकार होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो देखिए रुधिर वर्ग ए के लिए एंटीजन आपको ए दर्शाया गया, रुधिर वर्ग बी के लिए एंटीजन आपको बी दर्शाया गया, रुधिर वर्ग ए बी के लिए ए और बी दोनों एंटीजन दर्शाए गए, रुधिर वर्ग ओ के लिए कोई एंटीजन नहीं दर्शाया गया, अर्थात रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं बनता। फिर इधर दर्शाया गया एंटीबॉडी, रुधिर वर्ग ए की एंटीबॉडी बी, रुधिर वर्ग बी के लिए एंटीबॉडी ए, रुधिर वर्ग ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती परंतु आप कह सकते हैं रुधिर वर्ग ओ के लिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनते हैं। इतना आप दर्शा लिए, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि यदि जब किसी व्यक्ति को रुधिर दिया जाए तो उसका रुधिर वर्ग समान हो, और एंटीजन अगर ए है उस व्यक्ति जिसको रुधिर दिया जा रहा है उसके रक्त में एंटीबॉडी बी होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये दर्शाया गया रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग ए को रुधिर देना प्रारंभ करता है उस कंडीशन में देखा गया दोनों के रुधिर वर्ग समान हैं, अर्थात एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, इसलिए रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग ए को रुधिर दे सकता है।
बी कंडीशन में आते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो ग्रुप मैच नहीं किया, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के समकक्ष हैं, समान हैं, इसलिए रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग बी को रुधिर नहीं दे सकता। रुधिर वर्ग ए भी अगर देखा जाए तो रक्त वर्ग मैच नहीं किया, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि उसमें जो एंटीजन है इसमें एंटीजन पाया जा रहा है लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए रक्त न मैच करने के बावजूद भी रुधिर वर्ग बी ए बी को रुधिर ए दे सकता है, रुधिर वर्ग ओ को रुधिर नहीं दे सकता क्योंकि रुधिर वर्ग भिन्न है और इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी बनते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि रुधिर वर्ग ए किसको दे सकता है, ए को और ए बी को, न बी को दे सकता है न तो ओ को। फिर बी रुधिर वर्ग क्या ए को दे सकता है, नहीं दे सकता क्योंकि बी में अगर देखा जाए तो बी एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है लेकिन रुधिर वर्ग समान नहीं है, इसलिए रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति ए को रुधिर नहीं दे सकता बल्कि बी को दे सकता है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी भिन्न है। और फिर आप कह सकते हैं अगर देखा जाए तो उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी अलग है परंतु रुधिर वर्ग भी समान है, इसलिए रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है। वही प्रोसेस फिर ए बी के लिए लागू होता है जो ए में हुआ है, इसलिए रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति जो है वो ए बी को रुधिर दे सकता है परंतु ओ को रुधिर नहीं दे सकता, और ए बी रुधिर वर्ग न ए को दे सकता है न तो बी को बल्कि केवल ए बी को दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता क्योंकि आप उस चार्ट के माध्यम से देखने से ही पता चल गया होगा कि कौन किसको रुधिर दे सकता है। फिर रुधिर वर्ग ओ का व्यक्ति ये सभी को रुधिर दे सकता है, ए को किस लिए दे सकता है, इसमें को आप कह सकते हैं कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जा रहा है या नहीं बनता, इसलिए रुधिर वर्ग ओ ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, इसलिए आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि रुधिर वर्ग जो ओ है वो सर्वदाता है क्योंकि सबको रुधिर दे रहा है, और जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो सर्वग्राही है क्योंकि वह सबका रुधिर ले सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को थोड़ा देख लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे, पुनः हम लोग अगली वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।